नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा सिरसा पहुंचे, प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। पिछड़ा वर्ग ए व महिलाओं के लिए विधानसभा स्तर में दो ऐतिहासिक बिल हुए पारित। पंचायती राज में 8% आरक्षण से पिछड़ा वर्ग ए की भागीदारी सुनिश्चित। पंचायती राज संस्थाओं में BCAA को 8% तथा आरक्षण देने का निर्णय ऐतिहासिक है। वहीं पिछड़ा वर्ग की ओर से 29 नवम्बर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया जाएगा आभार। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा है कि सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव में BCA वर्ग को 8% आरक्षण देने तथा इससे मिलने से समाज में हिस्सेदारी बढ़ी है। पंच से लेकर के ब्लॉक समिति तक तथा जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा, इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से आगामी 29 नवंबर को हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण देने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति में भी 8% या कम से कम 2 सदस्य चुने जाने का आरक्षण इसी वर्ग को दिया गया है। पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% तथा हिस्सेदारी मिलने से प्रदेश में 22 जिलों में हर जिले व ब्लॉक में कम से कम 2 सीटें ब्लॉक समिति व जिला परिषद के लिए आरक्षित रखी गई है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। दीपावली की विश्वकर्मा डे की और भैया दूज है, उसकी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हाल ही के अंदर जो सेशन था 2 दिवस के, उसके अंदर वैसे तो टोटल 9 बिल पास हुए थे, लेकिन 2 बिल बहुत ही ऐतिहासिक पास हुए हैं। और खासकर BCA की जो बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायती राज के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कुछ जिलों के अंदर, अगर 2-3 जिलों की बात छोड़ दी जाए, तो बाकी जिलों के अंदर उनकी जो भागीदारी थी वो ना के बराबर थी पंचायतों के अंदर। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस विधानसभा सेशन के अंदर जो 2 महीने बाद चुनाव होने हैं पंचायतों के, इस पंचायतों के चुनाव से ठीक पहले बैकवर्ड क्लास ए को रिजर्वेशन दे करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। तो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। इससे जो अभी आने वाला चुनाव है, इसके बाद में जो BCA के लोग हैं उनको भी उचित प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, हमारे जो मुख्य आदरणीय मनोहर लाल जी है उनकी भी सोच यही है कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, सबका साथ लेकर चले, क्योंकि 36 बिरादरी से समाज बढ़ता है, इसलिए हर वर्ग की जो है भागीदारी पंचायतों के अंदर भी हो, इसी के तहत ये जो बहुत प्राण मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना बड़ा काम किया है, उनको हमें एक स्टेट लेवल का फंक्शन करके हमें सम्मानित करना चाहिए। उनकी भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 29 नवम्बर का टाइम दिया है। 29 नवम्बर को सुबह 11 बजे हिसार के जो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया जाएगा। आज सिरसा में भी उसी कड़ी में जो बैकवर्ड क्लास के अलग अलग संगठन है उनसे बातचीत करने के लिए, उनके प्रतिनिधियों से बात करके उनको निमंत्रण देने के लिए विशेष तौर से आज यहां आए थे।